एकमात्र ग्रह है। यानी पृथ्वी का एक ही ग्रह है जिसका नाम है मून। ठीक है, अब इसका जो ग्रह चंद्रमा है इसके अध्ययन को बोलते हैं सेलेनोग्राफी। इस चंद्रमा के अध्ययन को बोलते हैं सेलेनोग्राफी। ये बहुत कम में आने वाले क्वेश्चन है, इसको मैं इंपोर्टेंट लिख रही हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको कहलाता है सेलेनोग्राफी। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है, चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। ये चंद्रमा सबसे बड़ी कमी क्या है, यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, और वायुमंडल ना होने के कारण इसका जो भार है, इसकी जो ग्रेविटी है वो 6 गुना कम है पृथ्वी के। इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसकी ग्रेविटी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी कम होने के कारण ही यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसकी जो उम्र है वो 4.6 मिलियन है। ठीक है, इसकी जो उम्र 4.6 मिलियन आकी गई है और इसे एक जीवाश्मी ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है इसकी, ये जो है पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर। ठीक है, इसकी दूरी है पृथ्वी से वो लगभग 4 लाख किलोमीटर है। और जो इसका घनत्व है, जो इसकी मेन चीज क्या है, इसका जो घनत्व है वो है 3.3। ठीक है, और इसकी डेंसिटी भी ज्यादा नहीं है। तीसरी अगली विशेषता क्या है कि इसको पृथ्वी का जो प्रकाश आता है, यहाँ पर पृथ्वी का प्रकाश पहुंचने में इसे लगता है 1.3 सेकेंड। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में कि पृथ्वी का प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका जो समय लगता है वो लगता है 1.3 सेकेंड। ठीक है, अब बताती है कि इसकी जो परिक्रमा गति कितनी है, तो ये 29.5 दिन अपनी परिक्रमा लगाता है। यानी ये पृथ्वी की जो परिक्रमा लगाता है वो कितना में लगाता है, 29.5 दिन में लगाता है। और एक विशेषता यह है कि तुम लोगों ने देखा होगा कि चंद्रमा पे कभी आकृतियां बदलती रहती हैं, तो उस आकृति के बदलने का कारण क्या है कि अगर हम सामान्य रूप में देखें तो चंद्रमा का जो है 59% चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, जब वो फुल मून में होता है, इसे बोलते हैं फुल मून। जो कब होती है, पूर्णमासी को, पूर्णिमा को ये फुल मून में रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ये जो है पृथ्वी के परिक्रमण करने में, पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में इसकी जो प्रकाश है वो कम आता जाता है, तो इसको दो भागों काटते हैं। पहला आता है कृष्ण पक्ष और दूसरा आता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, दो में क्या बांटा गया है कि जब एकदम जब अंधेरा छा जाता है, दूरी बदल जाती है, तो उस समय पर चंद्रमा का प्रकाश बिल्कुल शून्य से दिखाई देता है, तो उसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और धीरे धीरे उसकी कलाएं दिखाई देने लगती है, वो परिभ्रमण गति दिखाई देती है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी किस तरह की कलाएं होती है। तो उस कलाओं के आधार पर इसका जब पूर्ण इसके कृष्ण पक्ष में वो शुरू होता है अमावस्या।
और ये पूर्णिमा। ठीक है, अब इनका प्रश्न पक्ष शुक्ल पक्ष में जो है चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो इसमें अगर हम क्या पूर्णिमा में तो भक्ति क्रम में रहती है और इसमें रहती है बढ़ते क्रम में, यानी इसमें माइनस से प्लस चलता है। चंद्रमा का जो आकार है वो धीरे धीरे छोटे से बड़ा होने लगता है और इसमें बड़े से छोटा होने लगता है, इसे बोलते हैं इसलिए कक्ष पक्ष। ठीक है, और इसमें जो मैं शायद में गुरुत्वाकर्षण की कमी है इसीलिए ये छह गुना पृथ्वी से कम का है, इसलिए यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। साथ में एक चीज और है कि गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण यहाँ पर आवाजें सुनाई नहीं देती, आवाज यानी कि ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये एक मुख्य विशेषता है कि चंद्रमा पर आवाज कम दिखाई देती है, इस कारण से ये सुनाई नहीं देती। ठीक है, और चंद्रमा जो है 27 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। चंद्रमा की सतह पर अब कौन कौन से अधिक इसमें आता है, हमारा सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम। चंद्रमा पर क्या क्या चीज पाई जाती है, सतह पर चंद्रमा की सतह पर क्या है, सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम, ये तत्व पाए जाते हैं। एक चीज और कि चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो हमें कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, कहीं पर चमकीला हुआ दिखाई देता है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर कहीं कहीं देखा होगा कहीं कभी चेहरा डरा हुआ दिखाई देता है, ये गड्ढे से दिखाई देते हैं। तो वो सब चीज क्या दिखाती है कि ये चीज जो गड्ढे होते हैं, जो काला काला भाग होता है, तो जो काला होता है वो क्या दिखाता है, गड्ढों को। जिसे बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, और जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, चमकीला भाग जो दिखाई देता है, वो ऊंचे भाग कहलाते हैं। यानी जो ऊंचे भाग होते हैं वो चमकीले दिखाई देते हैं और जो गड्ढे होते हैं वो हमें क्रेटर के रूप में दिखाई देते हैं। अब आता है चंद्रमास किसे कहते हैं। ठीक है, एक शब्द आता है चंद्रमास। चंद्रमास क्या होता है कि जब चंद्रमा अपने अंडाकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो वो जो परिक्रमा करता है वो 27 दिन में पूरी कर लेता है, 27 लगभग 27 दिन 5 घंटे, ठीक है, और कुछ मिनट भी आते हैं। तो उन 5 घंटे और 43 मिनट 15 सेकेंड, 27 दिन 5 घंटे 43 मिनट और 15 सेकेंड में ये अपनी परिक्रमा पूरी करता है तो उसे बोलते हैं चंद्रमास। ठीक है, इसे बोलेंगे हम चंद्रमास। चंद्रमास में चंद्रमा की ये कला होती है, लेकिन जब वो पृथ्वी के उस पॉइंट पर पहुंचता है, इस बात को मैं समझाती हूँ, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये चंद्रमा है, परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ रहा है और परिक्रमा करते हुए जब वो वहां पहुंचता है, जैसे इसका ये पॉइंट था हमारा, तो यहां तक पहुंचने में अगर वो इस पॉइंट पे आगे पहुंचता है तो इसे बोलेंगे हम चंद्रमास। लेकिन इतने समय पर पृथ्वी भी अपनी परिधि पर घूम चुकी होती है तो उस दूरी तक पहुंचने में टाइम लगता है, वो एक्स्ट्रा होता है। उस आधार पर इसको टाइम को कहते हैं 29.5 से परिक्रमा पूरी करता है, और अगर चंद्रमा की एक परिक्रमा पूरी होती तो वो टाइम लगता है 27 दिन 5 घंटे 43 मिनट और 15 सेकेंड। क्लियर है, अब बात आती है कि चंद्रमा कि कृष्ण पक्ष जो हमारी अमावस्या को है इसमें क्या होता है, बढ़ते क्रम में रहता है,
यानी चंद्रमा का जो आकार है वो बढ़ते क्रम में दिखाई देता है, इसीलिए इसे बोलते हैं न्यू मून। और ये कब होता है? न्यू मून बोलते हैं जब इसके आकार नया रूप में बनने शुरू हो जाता है। दूसरा हमारा शुक्ल पक्ष कब आता है? पूर्णिमा को आता है, इसे बोलते हैं हम फुल मून। क्यों? क्योंकि इसमें है ना पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। और फ्लू मून जो होता है वो पूर्णमासी के दिन दिखाई देता है, और पूर्णमासी के दिन ही चंद्रग्रहण पड़ता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो फुल मून है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक महीने में दो पूर्णिमा आ जाती है। जब एक महीने में दो पूर्णिमा आ जाती है तो उस कंडीशन में जो पहली पूर्णिमा को बोलते हैं फुल मून, और दूसरी पूर्णिमा जो होती है वो कहलाती है ब्लू मून। ठीक है, जो ब्लू मून कहलाती है इस कारण, क्यों? क्योंकि जो दूसरा चंद्रमा है वो ब्लू मून होगा। एक महीने में ये दो पूर्णिमा आने पर कंडीशन बनती है। ठीक है, अब बात आती है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन आते हैं वो हर एक कॉम्पिटिशन में आते रहते हैं। जैसे मैंने कुछ मार्किंग की थी पहले, जैसे इसका अध्ययन सेलेनोग्राफी कहलाता है, इसकी आवाज सुनाई नहीं देती है, टेम्परेचर के बारे में इतना नहीं आता, लेकिन डेंसिटी के बारे में तो हर किसी में आता है, मिलाने को भी आ जाते हैं कॉम्पिटिशन में। यहाँ ज्योग्राफी सब जाएगा, वहां पर इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड में यूपी में भी आ चुका है, राजस्थान में कि पृथ्वी का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकंड। ठीक है, और ये चंद्रमा का शुक्ल पक्ष के बारे में तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो धब्बे दिखाई देते हैं क्रेटर बोलते हैं, और जो चमकीला भाग दिखाई देता है चंद्रमा में वो कहलाता है हमारा ऊंचे भाग कहलाते हैं, वो पर्वतीय क्षेत्र भी हो सकते हैं या कुछ उठे हुए भाग भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ शेप बना रखी है, इस शेप में जो गड्ढे से काले काले दिखा रखे हैं, अगर मैं इनको गड्ढू निकालना था तो ये काले काले धब्बे बन जाएंगे, तो ये क्या है हमारे क्रेटर है, और जो खुला उभरा हुआ भाग है वो कहलाता है हमारा उभरा हुआ भाग, जो पर्वतीय क्षेत्रों की वो दिखाता है। ओके, थैंक यू।